दुर्घटना में घायल बसही इकबालपुर के युवक की इलाज के दौरान मौत। मौलानापुर दुर्घटना में घायल एक अन्य युवक ने भी तोड़ा दम। पूर्व में हुए दो अलग अलग एक्सीडेंट में घायल दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। विगत मंगलवार को नरसिंहपुर गांव के समीप हुई मार्ग दुर्घटना में देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बसही इकबालपुर गांव निवासी एक और युवक दीपक पुत्र जियालाल की इलाज के दौरान वाराणसी के ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। आपको बता दें, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बसही इकबालपुर गांव निवासी आकाश पुत्र रमेश राम विगत मंगलवार की सुबह मुंबई से घर आकर कुछ ही घंटे बाद अपने मित्र के घर देवगांव कोतवाली क्षेत्र के पलना बाजार मुंबई से लाया सामान अपने मित्र के घर पहुंचाने चला गया। साथ में उसने दो युवकों को भी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। पलना बाजार से लालगंज आते समय नरसिंहपुर गांव के समीप पहुंचने पर तेज गति से आ रही जीप से बचने की कोशिश में मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर विद्युत के खंभे से टकराकर तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीनों को सौशैया चिकित्सालय लालगंज पहुंचाया गया था, जहां से डॉक्टर ने आकाश पुत्र रमेश को मृत घोषित कर दिया था, जबकि गंभीर रूप से घायल दीपक पुत्र जियालाल और अखिलेश पुत्र योगेंद्र राम निवासी बसही इकबालपुर को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया था। परिजन दीपक को लेकर वाराणसी स्थित ट्रामा सेंटर चले गए थे, जहां उसका उपचार चल रहा था। रविवार की रात 1 बजे के करीब उसकी भी मौत हो गई। दूसरी घटना में मौलानापुर हाईवे पर स्कॉर्पियो और बोलेरो की टक्कर में बोलेरो चालक इलाज के दौरान मौत से परिजनों में पूरी तरह कोहराम मच गया। मौलानापुर हाईवे पर 24 अप्रैल को बोलेरो और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर में गंभीर रूप से घायल बोलेरो चालक 41 साल के संतोष कुमार की भी मौत हो गई। वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। परिजनों द्वारा वाराणसी में एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद रेफर होकर उसे 2 दिन पहले आजमगढ़ में एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार घटना के दिन देवगांव थाना क्षेत्र के जयसिंहपुर निवासी संतोष कुमार वाराणसी से घर आ रहे थे, लेकिन मौलानापुर हाईवे पर बोलेरो के आगे जा रही स्कॉर्पियो की स्टेपनी अचानक गिर गई, जिसके बाद स्टेपनी पर चढ़ने से अनियंत्रित हुई बोलेरो स्कॉर्पियो में जाकर बुरी तरह से भिड़ गई और दोनों गाड़ियां पलट गईं। घटना में दोनों वाहनों पर सवार आधा दर्जन लोग घायल हुए थे, लेकिन संतोष को ज्यादा चोट आई थी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इन दोनों युवकों की मौत के बाद इनके परिजनों समेत गांव में पूरी तरह कोहराम मच गया है। पेट्रोल से 100% मुक्ति, आजमगढ़ में जॉय ई बाइक खरीदने और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 9695366066, पता यूनिवर्सल मोटर्स नरौली आजमगढ़।